थंबलीना। एक समय की बात है, एक महिला रहती थी और वो अकेली ही थी। उसे हमेशा एक बेटी की चाह थी, तब से जब वो स्वयं एक छोटी बच्ची थी। एक सुहानी सुबह वो पौधों को पानी दे रही थी और रो रही थी, ये सोचते हुए कि अगर उसके पास एक छोटी बच्ची होती जिसके साथ वो खेल सकती। एक फेरी गॉड मदर उसके सामने प्रकट हुई। क्या हुआ मेरी बच्ची, तुम रो क्यों रही हो? मैंने अपने दिल में ठान लिया है कि मेरी एक छोटी बच्ची हो, प्लीज क्या आप मुझे बता सकती हैं ये मुझे कहाँ मिलेगी? मैं बहुत दुखी हूँ। ओह, फिक्र मत करो, ये आसानी से किया जा सकता है। फेरी गॉड मदर ने अपनी जादुई शक्तियों से एक बीज पेश किया उसके सामने। मेरी प्यारी बच्ची, तुमने देखा, ये कोई साधारण बीज नहीं है जो खेतों में उगता है। इस बीज को चाहिए बहुत सारा प्यार और अपनापन। इसे एक गमले में लगा दो और देखो क्या होता है। और याद रखना, इसे खूब सारा धूप देना। ओ धन्यवाद परीमा, आप कितनी उदार हैं। उसने वो बीज एक गमले में बो दिया और उस गमले को खिड़की पर रख दिया ताकि उसे काफी धूप मिल सके। वो जल्दी उगकर एक बढ़िया सा बड़ा फूल बन गया जो काफी हद तक टुलिप जैसा ही लगता था। उस औरत ने उसे प्रेम से पोषण दिया और हर दिन उसे सींचा। एक दिन उसने धीरे से उसकी अधखुली पंखुड़ियों को चूमा और जैसे जादू हो गया वो फूल पूरी तरह खिल गया और अंदर बैठी थी एक नाजुक और सौम्य छोटी सी लड़की। ये मेरी बच्ची है, मेरी बेटी। मैं इसे थंबलीना बुलाऊंगी। वो मेरे अंगूठे के आकार से ज्यादा बड़ी नहीं। मैं तुम्हारी माँ हूँ मेरी बच्ची, और तुम्हारा नाम है थंबलीना। उस फूल ने उसे एक छोटी बच्ची दी थी जिसका वो सपना देखा करती थी। उसके पास अखरोट का खोल था जो उसके लिए पालने का काम करता था, बैंगनी पंखुड़ियां उसका गद्दा, और उसने गुलाब की पंखुड़ी अपने कंबल के रूप में खींच ली। दिन में वो ट्यूलिप की पंखुड़ी की कश्ती में खेला करती जो पानी की एक प्लेट में तैरती थी, और वो स्वयं चप्पू चलाती, इस किनारे से उस किनारे जाती। वो दो चप्पू सफेद घोड़े के बाल से बने हुए थे। ये सचमुच बहुत ही प्यारा नजारा था। एक रात वो अपने अखरोट के पालने में गहरी नींद में सो रही थी, तभी खिड़की के शीशे के छेद से एक बड़ी मेंढ़ की धमकी। ये कितनी सुंदर है, ये सचमुच मेरे प्यारे बेटे के लिए सही दुल्हन होगी। और उसने वो अखरोट का खोल उठा लिया जिसमें छोटी सी लड़की सोई हुई थी, और थंबलीना को उसने पानी में एक कमल के पत्ते पर रख दिया तालाब के बीचों बीच। हमने उसे कमल के पत्ते पर रख दिया है, वो अब कभी भी हमसे बचकर नहीं भाग सकेगी। अकेली उस कमल के पत्ते पर छोड़ दी गई थंबलीना बैठकर रोने लगी। वो मेंढकी के उस भद्दे बेटे को अपना पति नहीं बनाना चाहती थी। किसी भी तरह मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम मुझसे ऐसा नहीं कह सकते। दूसरी ओर थंबलीना की माँ ने उसे घर के हर कोने में ढूंढने की कोशिश की, पर वो उसे ढूंढ न सकी। वहाँ मछलियों का एक झुंड था जो पानी में उसके नीचे तैरती थी। उन्होंने मेंढकों को देखा था और उनकी बातचीत सुनी थी। उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने उसकी मदद करने की ठानी। इस बीच मेंढकी और उसका बेटा विवाह की तैयारियों में व्यस्त थे। मछलियां हर तने के गिर्द इकट्ठी हो गई और उसे कुतरने लगी अपने दांतों से। पत्ता तने से अलग हो गया और थंबलीना बहने लगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सचमुच बहुत दयालु हैं। थंबलीना चली गई बहुत दूर जहां मेंढक उसे ढूंढ नहीं सकते थे। थंबलीना बहुत जगहों से बहते बहते गुजरी जहां नन्ही चिड़ियों ने उसे देखा और कहा कितनी सुंदर लड़की है।
जब अंधेरा बढ़ने लगा, उसने स्वयं को एक पत्ते से लपेट लिया और वो सो गई। पर अगली सुबह वो एक ऐसी जगह उठी जहां सूरज पानी पर अपनी किरणें फेंक रहा था और वो सोने की तरह चमक रही थी। वो झरने के अंत की तरफ बढ़ रही थी कि तभी एक बड़ा सा टिड्डा ऊपर से उड़कर आया। ओह, ये तो कितनी खूबसूरत लड़की है, मुझे इसे बचाना ही होगा। तुरंत ही उसने अपने पंजे उसके इर्द गिर्द फैलाए और उसे दूर ले गया एक दूसरे स्थान पर। आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं श्रीमान? मैं तुम्हें अपने घर ले जा रहा हूँ। कुछ देर बाद जब वो टिड्डे के घर पहुँचे, वो सारे टिड्डे जो उस पेड़ पर रहते थे देखने आए कि कौन आया है। दोस्तों, इस खूबसूरत लड़की को तो देखो, मैं इससे शादी करने वाला हूँ। उसकी केवल दो ही टांगे हैं, कितनी भद्दी लग रही है ये। देखो, इसके दो हाथ भी हैं। कितनी शर्म की बात है, वो बिल्कुल एक इंसान के जैसी लग रही है। कितनी बदसूरत है वो। मिस्टर बग उनके साथ सहमत हो गया और अंत में वो उसे छोड़ आया किसी घने जंगल में। सर्दियां शुरू हो गई, बर्फ पड़ने लगी और बेचारी लड़की ठंड में ठिठुरने लगी। ये उसके लिए भयंकर सर्दी का वातावरण था। वो चलती गई, खाना और पनाह ढूंढती हुई। जल्दी ही वो एक छोटे से कॉटेज की तरफ पहुंची। उसने कॉटेज के बड़े से दरवाजे पर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया। बाहर आया एक खेत का चूहा जो उस कॉटेज में रहता था। कौन हो तुम, नन्ही सी बच्ची? मैं जंगल में खो गई हूँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है और मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं यहाँ अकेले रहती हूँ, तुम मेरे घर आ सकती हो और मेरे साथ खाना खा सकती हो। तुम्हें गर्मी महसूस होगी, पर उससे पहले क्या तुम अपना नाम बताओगी? मैं थंबलीना हूँ। थंबलीना अंदर गई और कॉटेज गर्म और आरामदेह था, जहाँ पूरा स्टोर रूम अनाज से भरा पड़ा था और वहाँ एक किचन भी था पेंट्री के साथ। धन्यवाद मुझे खाना और रहने के लिए जगह देने के लिए। तुम पूरी सर्दियाँ मेरे साथ रह सकती हो। मिसेस मार्क्स, आप बहुत दयालु हैं। वो चूहिया थंबलीना की सुंदरता से इतनी प्रभावित थी कि वो चाहती थी कि वो हमेशा उसके साथ रहे। आज वीकेंड है और आज हमारे यहाँ मेहमान आएंगे। हर हफ्ते एक बार मेरे पड़ोसी मुझसे मिलने आते हैं। जल्दी ही घंटी बजी और वहाँ खड़ा था एक छछुंदर। वो उनसे मिलने आया अपने काले मखमली कोट में। छछुंदर ने उसकी आवाज सुनी और वो उसकी मधुर आवाज का दीवाना हो गया। उसने उससे विवाह करने का फैसला किया तो वो चूहिया के पास गया और कहने लगा, मैं तुम्हें अपनी सारी धन दौलत और मेरा खाना दे दूंगा अगर तुम मुझे इस लड़की से शादी करवा दो तो। चूहिया उस अमीर छछुंदर को ना नहीं कह सकती थी। ठीक है, तो मैं तैयारियां शुरू कर देता हूँ। हाँ। थंबलीना छछुंदर से शादी नहीं करना चाहती थी, तो अगली सुबह उसने भाग जाने का फैसला किया। जब वो जंगलों में भटक रही थी, उसे एक घायल पक्षी मिला जो जंगल में पड़ा था। बेचारा पक्षी, वो जरूर ठंड में मर गया होगा। और वो नजदीक गई, उसने देखा कि पक्षी जीवित था, वो बस घायल हो गया था। तुम ठीक हो पक्षी? ओ नहीं, ये तो जख्मी है। थंबलीना ने नन्हे पक्षी की मदद करने का फैसला किया और कुछ पट्टियां और दवा लाई उस पक्षी के लिए। फिक्र मत करो पक्षी, तुम ठीक हो जाओगे। नन्ही चिड़िया उड़ सकने लगी जैसे ही उसने पट्टी बांधी। अलविदा प्यारे नन्हे पक्षी। धन्यवाद प्यारी नन्ही बच्ची, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? जल्दी ही उसने चूहिया और छछुंदर को आते देखा उसका नाम पुकारते हुए। ओ थंबलीना, कहाँ हो तुम? थंबलीना ने उनकी आवाजें सुनी और उसने पक्षी को बताया, मिसेस माउस चाहती है कि मैं मिस्टर मॉल से शादी कर लूं। प्लीज, क्या तुम मुझे यहाँ से कहीं दूर ले जा सकते हो?
मैं उनसे शादी नहीं करना चाहती। मेरे पास एक तरकीब है, चलो जल्दी से मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, जल्दी। बाय मिसेस माउस, हर चीज के लिए धन्यवाद, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। छछुंदर और चूहिया हक्के बक्के रह गए जब उन्होंने थंबलीना को उड़ते हुए जाते देखा। पक्षी उसे फूलों के देश में ले गई जहां सभी प्रकार के फूल थे और गाते हुए पक्षी थे। ये कितना सुंदर है, ये क्या कहलाता है? इसे कहते हैं फूलों का देश, और अब मुझे जाना होगा। धन्यवाद प्यारे पक्षी, आप सबसे अच्छे हैं। थंबलीना बहुत खुश थी। ये मेरा घर है, इन फूलों से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, पक्षी कितना सुरीला गा रहे हैं। जैसे ही उसको अपना असली घर याद आया, कैसे उसकी माँ ने उसे पाला पोसा सच्चा प्रेम देकर, वो बहुत उदास हो गई और अब घर जाना चाहती थी। पर अचानक वहाँ फूलों के देश का राजा प्रकट हुआ। उसने थंबलीना को देखा और उसे उससे प्रेम हो गया। मैं फूलों के देश का राजा हूँ और तुम जैसी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी और मेरी पत्नी बनोगी? मैं तुम्हें फूलों के देश की रानी बनाना चाहता हूँ। थंबलीना ने एक पल के लिए सोचा, ये अवश्य एक अलग किस्म का पति था। मेंढकी के बेटे मिस्टर टिड्डे और काले मखमल के सूट वाले छछुंदर से। हाँ, पर अगर तुम मुझे मेरी माँ के पास ले जाओगे और फिर हम तीनों खुशी खुशी रहेंगे। वो मान गया और थंबलीना के लिए एक उपहार लाया। ये सबसे अच्छा उपहार था, यानी पंखों की जोड़ी जो एक बड़ी सिल्वर फ्लाई के हुआ करती थी। जब इन्हें उसकी पीठ पर लगाया गया तो वो भी एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ने लगी। शादी के बाद राजा और थंबलीना उड़ गए और माँ का घर ढूंढ निकाला। माँ बहुत खुश थी उन्हें वापस घर पाकर। ओ थंबलीना, तुम नहीं जानती मैं कितनी खुश हूँ तुम्हें वापस पाकर। अब मैं तुम्हें अपने से दूर कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी माँ। माँ ने दोनों का स्वागत किया और वो राजी खुशी रहने लगे।